लड़कियों ने शादी के पहले कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। मेरा मैं डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आजकल क्या है कि लड़कों में होमोसेक्सुअल होने का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। स्पेशली जो लड़के परदेश में जो स्थायी हुए हैं, सेटल हुए हैं, वो लड़कों में तो बहुत ज्यादा है। वैसे ही परदेश में जो लड़के हैं वो जहाँ सेटल हुए हैं वहाँ काफ़ी फ्री वातावरण है प्रदेश में, डेटिंग, फिर एक्सपेरिमेंटिंग, रिलेशनशिप में रहना, ऐसा काफ़ी चलते रहता है। तो वो वातावरण से जो लड़का आता है और वो अपने देश में आके लड़की से शादी करना चाहता है, तो फिर लड़कियों ने क्या देखना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो जानना जरूरी है। क्या होता है कि लड़कियाँ देखती हैं कि नहीं, परदेश में लड़का बहुत उच्च शिक्षित है, बहुत तनख्वाह मिल रही है, इंजीनियर है, और अपन प्रदेश में जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। लड़का एक महीने के लिए इंडिया आता है छुट्टी लेके, और एक महीने के अंदर उसको लड़की देखना, एंगेजमेंट करना, शादी करना, हनीमून करना और लड़की को लेके जाना, इतना सब करने का है। तो बहुत जल्दी सब करते हैं और उसमें फिर लड़कियाँ फंस जाती है। क्या होता है कि शादी के बाद में फॉरेन जाते हैं, लड़की भी वहाँ जाती है उसके साथ में, पहले मालूम ही नहीं पड़ता कि होमोसेक्सुअल है क्या। लड़का बहाने बनाते रहता है, नहीं आज क्या हो गया, ऑफिस में टेंशन है, बॉस ने चिल्लाया, टारगेट्स है, फिर ऑफिस से आज क्या लेट आ गया, फिर नींद बहुत आ रही है, थक गया हूँ, ऐसे अलग 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 कमर दुख रही है, ऐसे अलग 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 बहाने बनाते रहता है और वो सेक्स करता नहीं, वो रहता है होमोसेक्सुअल, वो अपना काम बाहर ही करते रहता है। ऐसे समय फिर लड़की उसको पूछती है तो क्या आज थक गया हूँ, आज तो मूड नहीं है, मतलब ऐसे कुछ तो भी बहाने बनाते रहते हैं, और फिर नहीं अपने को तो बच्चा नहीं चाहिए तो इसलिए अपन सेक्स नहीं करेंगे, ऐसे बहाने बनाते, और वो अपने पत्नी के साथ में सेक्स करता नहीं है। लड़की को फिर धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि अरे SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स किसके आते हैं, वो यदि वो थोड़ा ट्रैक करना चालू किया या बाय एक्सीडेंट उसको दिख गया कुछ, तो मालूम पड़ता है कि अरे होमोसेक्सुअल है, और बाद में कन्फ्रंट करने के बाद में वो कबूल भी करता है, मगर बहुत टाइम तब तक हुआ रहता है। वैसे लड़की वहाँ जाती है तो उसको मालूम पड़ता है कि नहीं इसके तो बहुत गर्लफ्रेंड्स है और वो तो अपने में इंटरेस्ट ही लेता नहीं है, गर्लफ्रेंड बहुत है, डेटिंग करता था, बाहर मौज मजा कर रहा है, ये तो शादी इसलिए बना लिया कि घर में कोई काम वाली चाहिए करके, तो इसमें भी लड़की फंस जाती है। तो इसमें लड़कियों ने पहले देखना चाहिए कि भाई लड़का कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, तो सीधी बात करना बहुत जरूरी होगा, सीधी बात करना। एक बार लड़का अच्छा लगा, बाकी सब ठीक लग रहा है, तो सीधी बात करना मतलब कैसे कि उसने लड़की ने पूछना चाहिए कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, यदि वो गड़बड़ा गया तो मालूम पड़ता है, ब्लड ग्रुप क्या है, आपको कोई पहले गर्लफ्रेंड्स है क्या, अभी है क्या गर्लफ्रेंड्स, आप लिविंग रिलेशनशिप में थे क्या, आपको लैंगिक आकर्षण किसके तरफ है, आपकी सेक्स करने की इच्छा होती है क्या, आपने सेक्स किया हुआ है क्या, आपको शादी करने की इच्छा है क्या या घर वाले फोर्स कर रहे करके आप शादी कर रहे हैं, कोई आपको व्यसन है क्या, शराब पीते हैं और कोई लत है क्या, मतलब ये सब जानना जरूरी है। कौन से ऑफिस में काम करता है, कितने एक्चुअली तनख्वाह कितनी है, तो ये सब जान के फिर शादी किया तो फिर बाद में पछताने की नौबत आएंगी नहीं। फिर ये ऐसा होने के बाद में भी फिर कुछ लड़कियां शादी के बाद में बाहर बोलती क्यों नहीं है कि भाई मेरा हस्बैंड ज़्यादा सेक्स करता नहीं, क्योंकि शायद ऐसा होता कि लड़कियों को भी ज़्यादा मालूम नहीं है इसके बारे में, उनको भी ज़्यादा इच्छा नहीं है, वो भी पहले से सेक्स के बारे में ज़्यादा उत्सुक नहीं है, या फिर बोलते हैं ठीक है अपने नसीब का भाग है, बाकी तो सब अच्छा है, बाकी तो पैसा बहुत है, सब घूमने फिरने मिलता है, खर्चा करने मिलता है, तो ठीक है अपना ये नसीब का भाग है, जो हो गया वो हो गया। कुंडली देख के कुछ होता नहीं है, नसीब का भाग है ऐसा बोल के कुछ होता नहीं है, लड़कियाँ भी बहुत पढ़ी लिखी है, ये सब लड़कियों ने जाना जरूरी है और ये सब जान के सेक्स करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि फॉरेन का लड़का मिल गया बस अभी शादी कर लिया, ऐसा नहीं करने का है। आपको अच्छा लगा वीडियो तो सभी लड़कियों को शेयर करो, उनके माँ बाप को शेयर करो, ताकि वो देख के समझ के बाद में लड़कियों की शादी करेंगे ना, सब हरा भरा दिख रहा है चलो शादी कर लो ऐसा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हमारा ऐप है वो डाउनलोड कीजिएगा। आपको कोई सवाल होंगे तो नंबर दिए गए नीचे, उसके ऊपर आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी योगदान इसमें मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।